इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 14वां सवाल। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ए टिटिकाका, बी टीसीसिकरू, सी रुडोल्फ, डी एडवर्ड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। भागलपुर में कोरोना का हुआ महाविस्फोट, बुधवार को मिले 125 नए मरीज। भागलपुर में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का भागलपुर जिले में कोई असर नहीं दिख रहा है। दरअसल जिले में बढ़ते मरीजों के आंकड़े को देखते हुए जिले में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। दरअसल बुधवार को भागलपुर में कोरोना विस्फोट हुआ। बिहार के दूसरे स्थान पर भागलपुर जिला बना हुआ है। जिले में कोरोना ने अब तक 13 शतक के करीब रन बनाए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के हर अपडेट में जिले से कोरोना के नए मरीजों में वृद्धि हो रही है। शहर में कोरोना मरीज के भयावह रफ्तार देखी जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीज जल्दी स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को पहले अपडेट के मुताबिक जिले में रिकॉर्ड तोड़ 125 नए केस की पुष्टि हुई, जिनमें से कई केस शहरी क्षेत्र से भी थे। जिले में मिल रहे कोरोना के मरीजों का अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। इसके साथ ही भागलपुर जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1294 पहुंच गया, जिसमें 650 के करीब मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। भागलपुर में दवा लेने मेडिकल पहुंचे युवक की मौत, 4 घंटे के बाद उठा शव। भागलपुर शहर के कोतवाली इलाके के MP द्विवेदी रोड का एक मेडिकल स्टोर में दवा लेने गए एक युवक की अचानक मौत हो गई। वह अस्थमा की दवाई लेने के लिए मेडिकल पहुंचा था, उसकी मौत से हड़कंप मच गया। 4 घंटे के बाद उसका शव उठाया गया, शव मेडिकल स्टोर में ही पड़ा रहा। मामले की जानकारी होने पर कोतवाली पुलिस ने एम्बुलेंस मंगवाया, लेकिन कोरोना का संदेह कह एम्बुलेंस चालक ने शव उठाने से इनकार कर दिया। SSP आशीष भारती के निर्देश पर सिटी DSP राजवंत सिंह, कोतवाली इंस्पेक्टर सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कोरोना के संक्रमण से उसकी मौत की सूचना हर ओर फैल गई है, इस कारण लोग वहां नहीं पहुंच रहे थे। हफ्ती की दवा लेने के लिए आया था इन्हेलर जी, उसको हफ्ती का दवाई दिया गया, वो तुरंत हमारे सामने में हफ्ती का इन्हेलर दिया और हफ्ती का इन्हेलर लेने के बाद वो हमारी उस टेबल पर बैठ गया। उसका वो थैला भी वहीं पर रखा हुआ जी, और वहां पर बैठने के बाद 10 मिनट आराम किया। 10 मिनट आराम होने के बाद वो गिर गया। हमने फिर वो SP साहब को फ़ोन किया, भागलपुर कोतवाली थाना को फ़ोन किया, कोरोना 19 को फ़ोन किया जी, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी खबर नहीं आया। कोरोना 19 का एम्बुलेंस आया, वो बोला हमारा केस नहीं है, ये दूसरा केस है, वो दूसरा गाड़ी आएगा। लेकिन 8-1.5 घंटा हो गया, अभी तक कोई भी कार्रवाई कुछ नहीं है प्रशासन की तरफ से, न गवर्नमेंट की तरफ से। भागलपुर के डिप्टी मेयर के स्वर्ण व्यवसायी पिता से रंगदारी मांगने वाले आरोपित गिरफ्तार युवक युवती ने मिलकर रची थी साजिश। मंगलवार को सुप्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी हरिओम वर्मा से अपराधियों ने फोन पर 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने एक युवक और युवती को पकड़कर उससे गंभीर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जोगसर पुलिस चौकी में दोनों से पूछताछ की जा रही है। आरोपित युवक का नाम अब्दुल कादिर और युवती का नाम बेबी सफी का है। बता दें कि मंगलवार को हरिओम वर्मा के निजी नंबर पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी नहीं देने पर दुकान समेत बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल का CBSE 10वीं के परिणाम में जलवा बरकरार। नौगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल के बच्चों का CBSE 10वीं के परिणाम में इस बार भी जलवा बरकरार रहा। विद्यालय के निर्देशक रामकुमार साहू ने बताया कि उनके विद्यालय के लगभग 60% बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, जिसमें प्रतीक कुमार ने 92%, सूरज कुमार ने 91% अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके अलावा विद्यालय के 1.5 दर्जन छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन कर विद्यालय और नौगछिया का नाम सम्मान बढ़ाया है। मौके पर विद्यालय के सचिव कृष्ण कुमार साहू, प्राचार्य जरीन बहाव, शिक्षक सुरेश प्रसाद सिंह, रुक्मिनी कुमारी, अमित कुमार सहित कई अन्य एवं पूरे विद्यालय परिवार ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। नवगछिया के बाल भारती विद्यालय का CBSE बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन। बाल भारती विद्यालय का CBSE बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन रहा। विद्यालय के प्राचार्य नवनीत सिंह, प्रशासक DP सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय के 15 छात्र छात्राओं ने 90
प्रतिशत से ज्यादा अंक अर्जित किया है, जिसमें प्रियांशु राज ने 95.6% अंक लाकर विद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं साक्षी कुमारी ने 95% अंक लाकर दूसरा स्थान एवं अक्षय कुमार गर्ग ने 94.4% लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं विद्यालय के सफलता पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पवन कुमार सराफ, उपाध्यक्ष अजय कुमार रुंगटा, सचिव जगदीश प्रसाद मौंडिया, संयुक्त सचिव शिव कुमार पंसारी, प्रमोद कुमार केडिया, सदस्य बालकृष्ण पंसारी सहित कई अन्य ने छात्र छात्राओं को बधाई दी है एवं उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। चेतावनी स्तर से 80 सेंटीमीटर नीचे बह रही है गंगा। इस्माइलपुर बिंटोली में बुधवार की सुबह गंगा नदी चेतावनी स्तर से 80 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। हालांकि जलस्तर के बढ़ने के रफ्तार में कमी दर्ज की गई है, लेकिन इस पर संख्या 6N स्थित कैंप कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 24 घंटे में आधा सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पहले 24 घंटे में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती थी। गंगा नदी का पानी तेजी से दियारा के मैदानी इलाके में फैलने लगा है, जिस कारण दियारा में बसा बनाकर रहने वाले पशुपालक किसान अपने अपने पशुओं के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। डुमरिया चपरगढ़ पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सुशील गुप्ता ने बताया कि बाढ़ के कारण हजारों एकड़ में लगी मकई की फसल बर्बाद होनी शुरू हो गई है। मकई की फसल में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। कोरोना फैलाने के नाम पर मारपीट कर लहूलुहान किया जानलेवा हमले का आरोप। नवगछिया थाना के वार्ड 21 में कोरोना संक्रमण से उबड़े मरीज के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वार्ड 21 निवासी अवधेश गुप्ता के पुत्र कुणाल ने इस मामले में 3 लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है। कुणाल का गोदाम अशोक भगत के मकान में है, जहां उसने बुधवार की दोपहर अपने कर्मचारी को सामान लाने भेजा था। उसे गाली देकर लौटाए जाने के बाद वह खुद सामान लाने पहुंचा। आरोप है कि इस दौरान अशोक भगत, उसके बेटे बाबू विधान चंद्र और भाई विकास भगत उर्फ पिक्कू भगत ने उसे गाली गलौज शुरू कर दी। मुझे अभद्र गाली देते हुए कहा कि तुम कोरोना पेशेंट हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं कोरोना पेशेंट नहीं हूँ, मैं कोरोना योद्धा हूँ। मैंने कोरोना लड़ाई लड़ के आया हूँ और आज मुझे आए हुए 8 दिन हो गया। इसके बाद भी उन लोगों ने नहीं सुना मुझे गाली देते हुए। बगल में उसका जो है चचेरा भाई विकास कुमार उस पिंकू भगत, उसने मुझे लाठी रड से यहाँ पे मारा। अशोक भगत टेबुल से मारा और मेरा बाबू भगत जो है मेरा हाथ नोचा और मेरा। नवगछिया में 50 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में बुधवार को कोरोना संक्रमित मरीजों के चयन से जुड़े 50 संदिग्ध लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन लोगों का सैंपल लिया गया है, सभी लोग संक्रमित मरीज के चयन से जुड़े हुए हैं। सैंपल लेने के बाद सैंपल को जाँच के लिए भेज दिया गया है। वहीं जाँच के लिए लोगों में लिए गए जल संसाधन विभाग के कार्यालय के कर्मी व पदाधिकारी एवं नवगछिया पुलिस लाइन के पुलिस कर्मी सहित नगरा नवादा एवं नवगछिया शहर क्षेत्र के लोग शामिल हैं। बच्चा प्रसाद भगत के निधन पर शोक। बिहारी अतिथि सदन नवगछिया में बुधवार को अतिथि सदन के कार्यकारिणी समिति की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों ने बिहारी अतिथि सदन के पूर्व सचिव बच्चा प्रसाद भगत के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अतिथि सदन के सचिव रामसेवक भगत ने कहा कि कोषाध्यक्ष प्रवीण भगत के पिता एवं बिहारी अतिथि सदन के पूर्व सचिव बच्चा प्रसाद भगत के
4 जुलाई की रात्रि 12:30 बजे चिकित्सा के क्रम में असामयिक निधन हो गया। उनके निधन पर एक अपूर्णीय क्षति है। ढोलबजा थाना अध्यक्ष ने लॉकडाउन पालन कराने को लेकर बाजार में की माइकिंग। लॉकडाउन का सही से पालन कराने को लेकर बुधवार की शाम ढोलबजा थाना प्रभारी राजदेव प्रसाद रमन ने बाजार में माइकिंग कर सभी दुकानदारों व ग्राहकों को हिदायत दी है कि कोई भी दुकानदार बिना मास्क का दुकान पर नहीं बैठे, न ही बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री दें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का हर संभव प्रयास करें। नवगछिया, कुणाल का चौथे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग, परिजनों से मिला राजद प्रतिनिधित्व। रंगरा प्रखंड के भवानीपुर में बीते शनिवार से लापता प्रॉपर्टी डीलर कुणाल आलोक चिंटू उर्फ राजा का चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 4 दिन बाद भी कुणाल की बरामदगी नहीं होने से परिजन गहरे सदमे में हैं। कुणाल का कोई सुराग नहीं मिलने से उनके साथ कोई अनहोनी घटना को लेकर रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। कुणाल के गायब होने के बाद कुरसेला पुलिस ने परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली है। मालूम हो कि युवक के लापता होने के बाद देर रात मोटरसाइकिल को कुरसेला पुलिस ने NH 31 के पास से लावारिस हालत में बरामद किया था, लेकिन कुणाल का कोई सुराग अब तक नहीं पुलिस लगा पाई है। इधर कुणाल के घर पर राजद की ओर से प्रदेश के आह्वान पर एक प्रतिनिधित्व मंडल ने बुधवार की दोपहर पहुंचकर कुणाल के परिजन से मिलकर ढाढ़स बढ़ाया।